दोस्तों मैं शिवचंदर सर एजुकेशन बड़ा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने रीजनिंग लेकर आया हूं। दोस्तों आशा करता हूं एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक देखना है कि यहां पर जो है यहां पर 31 है, 18 है, 13 है, ये दोनों का क्या किए हैं कि 13 हो गए। दोस्तों फिर यहाँ पर 34 है, 29 है, ये दोनों को क्या किए हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग कुछ भी जो ना से करके जो ना 18 लाना है दोस्तों, और ये दोनों को कुछ जो ना कुछ भी जो ना करके यहाँ पर जो ना से इसमें से कौन सा संख्या आएगा। दोस्तों यहाँ पर देखना है दोस्तों कि यहाँ पर देखना है कि 3 है और 1 है, तो 3 है और 1 है, तो 3 × 1 होता है दोस्तों, कितना होता है दोस्तों, तो 3 × 1 = 4 होता है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे दोस्तों। 3 × 1 = 4 होता है, तो 4 लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पर 1 है, 8 है, तो 8 × 1 = 9 हो जाएगा दोस्तों, 8 × 1 = 9 हो जाएगा दोस्तों। ये दोनों को जोड़ देना है, तो 9 × 4 = 13 हो जाएगा दोस्तों। 13 हमारा दोस्तों यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर देखना है कि 3 है 4 है, तो 4 × 3 = 7 होता है दोस्तों। उसके बाद जो है 9 × 2 = 11 होता है दोस्तों, तो 11 × 7 हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा दोस्तों, 18 यहाँ पर मिल गया है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पर 4 × 3 = 7 हो जाएगा दोस्तों, +4 × 3 = 7 हो जाएगा, तो 7 + 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, हमारा आंसर बन के तैयार हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखना है दोस्तों कि 14 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 14 भरा जाएगा दोस्तों। अब जो है दो नंबर देखना है दोस्तों कि यहाँ पर देखना है 7 × 5 = 3 = 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, 8 × 7 = 15 हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, तो 5 × 3 = 8, 8 × 7 = 15, 15 हो गया। अब +1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 हो जाएगा, तो 15 + 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 16, यहाँ पर बीच वाला संख्या दोस्तों आ गया। ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पर देखना है कि 5 × 3 = 8 हो जाएगा, और 8 में 8 जोड़ देना है तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर किए थे, यहाँ पर 2 है, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4 होता है, तो 16 + 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 दोस्तों, बीच वाला संख्या मिल गया है। उसी प्रकार दोनों का गुण जोड़ देना है, तो 7 × 4 = 11 हो जाएगा। अब +3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 × 4 = 11, 11 × 2 = 22 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 22 हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा दोस्तों। अब 22 और 9 जो है ना से 3 × 3 = 9 हो जाएगा, जोड़ देना है दोस्तों, 9 × 2 = 11, 1 × 3 = 2, 1 × 3 यहाँ पर 31 हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर जो है ना यहाँ पर सी नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर में इसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 31 नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार अगले का देखना है दोस्तों कि यहाँ पर हो जाएगा 7 × 5 = 12, 7 × 5 = 12 हो जाएगा दोस्तों, तो 12 के स्क्वायर करना है, तो 12 में स्क्वायर कर देना है, तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार 4 में 3 जोड़ देना है दोस्तों, तो 4 × 3 = 7 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा दोस्तों, 49 हो गया। अब 5 × 1 = 6 हो जाएगा, 6 के स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6 = 36 हो जाएगा, यहाँ पर 36 लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पर 8 × 2 = 10 हो जाएगा, और 10 के स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर करने पर दोस्तों तो 10 × 1 = 100 होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारा 3 नंबर मिलकर बन के तैयार हो गया, यहाँ पर इसका आंसर 3 नंबर होगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखना है कि 4 नंबर में देखना है दोस्तों कि यहाँ पर 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 लिखेंगे, अब +3 × 9 हो जाएगा दोस्तों, 9 यहाँ पर लिख करके जोड़ देना है दोस्तों, 39 हो जाएगा, हमारा बीच वाला अंक जो है मिल गया दोस्तों। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखना है कि 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, अब 4 × 4 = 16 हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों को जोड़ देना है, तो 6 × 5 = 11, 1 × 3 = 1, 3 × 4 = 5 यानी 51 हो गया दोस्तों, हमारा बीच वाला संख्या मिल गया दोस्तों। ठीक उसी प्रकार जो है तीसरा नंबर देखना है, यहाँ पर देखना है दोस्तों 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा दोस्तों, जोड़ देना है तो 5 × 2 = 7 हो जाएगा, 3 यानी 37 हो जाएगा दोस्तों, हमारा दूसरा का नंबर बन के तैयार हो गया। ठीक उसी प्रकार देखना है दोस्तों कि 7 में 2 से गुना कर देना है, तो 7 में 2 से गुना कर देना है तो 7 × 2 = 14 होता है दोस्तों, तो 7 में 2 से गुना कर देना है तो 14 होता है दोस्तों, और 14 में 2 जोड़ देना है दोस्तों, तो 14 × 2 = 16 हो जाएगा दोस्तों, 16 हो गया दोस्तों। उसी प्रकार 16 में 2 से गुना करना है दोस्तों, और 2 जो ना से जोड़ देना है, तो 16 × 2 = 32 हो जाएगा दोस्तों, और +2 हो गया, तो 32 × 2 = 34 हो गया दोस्तों, 34 हो गया, और 34 में 2 से गुना करना है, और 2 जो है ना से जोड़ देना है दोस्तों, 34 में 2 से गुना करना है और 2 जोड़ देना, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, और +2 जोड़ देना है तो हो जाएगा 70 हो जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर इसका जो ना से 3 नंबर बन गया
और जो है ना लास्ट नंबर में हिसाब देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर देखना है कि 6 5 30 6 5 30 6 5 30 और 4 3 12 माने 120 हो जाएगा दोस्तों। 0 को हटा दिया गया है, 12 आ गया दोस्तों। यहाँ पर देखना 6 5 30 6 5 30 और 7 3 21 यानी 210 हो जाएगा दोस्तों। 0 उड़ा दिया है दोस्तों, यहाँ पर हो गया 21। उसी प्रकार 8 4 32 हो गया दोस्तों, और सब में 0 उड़ा दिए है, यहाँ पर 0 उड़ा दिए दोस्तों, हो गया आंसर इसका 32 आ गया दोस्तों। हमारा 32 जो है ना से बन के तैयार हो गया। इसमें दोस्तों यहाँ पर जो है ना से रिक्त स्थानों के जगह पर यहाँ पर जो है ना से हो जाएगा दोस्तों 32। इसी प्रकार रीजनिंग को ट्रिक की रीजनिंग मैथ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।